वेलकम टू प्रिया का जायका। आज की हमारी रेसिपी है आलू का स्वादिष्ट हलवा। चलिए इसे शुरू करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने गैस ऑन कर दिया है और इस पर मैंने कुकर चढ़ाया है और अब मैं इसमें डालूंगी। ये मैंने हाफ के जी आलू लिया है, अच्छे से धो लिया है मैंने इसे और अब मैं इसे इसमें डाल दूंगी। और एक कप जितना पानी मैं इसमें डालूंगी और डालकर मैं इसका ढक्कन बंद कर दूंगी और एक सीटी लेने के बाद मैं गैस का फ्लेम बंद कर दूंगी। ये देखिए दोस्तों, मैंने आलू को छील कर अच्छे से मैश कर लिया है और इधर मैं कढ़ाई चढ़ाई हूँ और अब मैं इसमें डालूंगी एक चम्मच घी। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं दोस्तों, मैंने शुद्ध घी डाला है। और ये देखिए दोस्तों, घी हमारा अच्छे से गर्म हो गया है और अब मैं इसमें ये जो मैं आलू को मैश करके रखी हूँ इसे मैं डालूंगी। ये देखिए दोस्तों, 2 मिनट हो गए हैं और ये देखिए आलू हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं, इसमें से सोनी सोनी खुशबू आने लगी है। और इसी टाइम पर मैं इसमें चीनी ऐड करूँगी। हाफ के जी आलू लिया था मैंने तो उसी के अकॉर्डिंग मैं 50 ग्राम लगभग चीनी ऐड कर रही हूँ दोस्तों, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखेंगे दोस्तों, हाई फ्लेम पर मैं इसे नहीं भून रही। चीनी को मेल्ट होने तक अच्छे से मैं इसे भूनूंगी। ये देखिए दोस्तों, चीनी हमारा बहुत अच्छे से मेल्ट हो गया है और हलवा भी हमारा तैयार हो गया है। अब इसी टाइम पर मैं गैस का फ्लेम बंद कर दूंगी। ये देखिए दोस्तों, आलू का हलवा, स्वादिष्ट हलवा बनकर तैयार हो गया है। ये हलवा रेसिपी आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बगल में बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं, इससे आपको सबसे पहले हमारा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अर्ली अपडेट के लिए इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।